हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड टू लैपटॉप्स है, जहाँ पर हम बजट कैटेगरी में बात करने वाले हैं। अंडर द प्राइस टैग ऑफ 35,000 काफ़ी बढ़िया से लैपटॉप्स है, काफ़ी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्राइस टैग भी देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बट उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे फर्स्ट लैपटॉप से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लैपटॉप है वो है लेनोवो का आइडियापैड S145। हालांकि आप लोगों ने लेनोवो के बहुत सारे डिवाइसेस के जो वीडियोज़ है वो अपने चैनल पर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे, अनबॉक्सिंग से लेके जो भी रिव्यू है, उसके प्रॉब्लम्स है, सभी सभी के बारे में। तो आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करता हूँ तो 15.6 इंच के काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है, आपको डिज़ाइन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। वैसे डिज़ाइन क्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ तो 35,000 के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अगर यहाँ पर हम डिस्प्ले में बात करेंगे तो फुल एच डी प्लस का रिजोल्यूशन है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो i3 10th जनरेशन का चिपसेट है, जो कि इंटेल की तरफ से आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और इसी के साथ इसमें आपको जो है वो 4 GB की रैम मिल जाएगी, 256 GB ऑफ SSD बैक ऑन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आपको SSD का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। कंपेरेटिवली टू द हार्ड ड्राइव इसमें आपको काफ़ी बढ़िया रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैटरी के बारे में तो 2 सेल की बैटरी है, इनफ आपको यहाँ पर जो है अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा मिड साइज पे मैं कहूँगा। साथ ही में अगर और बातें करते हैं जैसे कि उसके पोर्ट से रिलेटेड, आपको सभी तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको जो विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एमएस ऑफिस भी है इसमें, तो और क्या चाहिए। और उसकी जो प्राइस टैग है वो सिर्फ 32,990 रुपीज़ है, तो एग्जैक्ट ये जो वो 35,000 से बहुत ज़्यादा कम प्राइस पर आता है। तो 33,000 रुपीज़ में ये काफ़ी बढ़िया सी डील है, तो डेफिनेटली आप जाकर ये डील जो है वो देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा, अगर पसंद आती है तो खरीद भी लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और आपको जो भी डाउट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको जो है वो रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर दूसरे लैपटॉप की बात करते तो वो है लेनोवो का आइडियापैड स्लिम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लैपटॉप है। और इसमें और आइडियापैड जो सीरीज़ है उनमें और इसमें कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंजेस है वो है स्टोरेज में। अगर यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात करते तो वही 15.6 इंच फुल एच डी प्लस के डिस्प्ले है, i3 10th जनरेशन का चिपसेट है, 4 GB के रैम है, यहाँ पर आपको जो है वो विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 2 सेल की बैटरी है, प्लस यहाँ पर आपको एम एस ऑफिस का सपोर्ट है, तो सभी तरह के पोर्ट्स सेम है यहाँ पर। तो चेंज किस में है, तो वो है स्टोरेज में चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर आपको स्पेस से अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जो है वो 1 TB के साथ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए तो आप जो है वो लेनोवो आइडिया पैड जो है वो सीरीज़ है उसको चूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया स्टोरेज देखने को मिलती है, हालांकि छोटी है बट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ पर आपको जो फास्ट नहीं देखने को मिलती है, मतलब कंपैरेटिवली SSD के अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं तो बट अच्छी खासी ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आपको मैसिव स्टोरेज देखने को मिलती है। तो अभी जो है वो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डिवाइस चाहिए, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट डेफिनेटली कर सकते। तो जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो है डेल के तरफ से आने वाला डेल वॉस्ट्रो। तो डेल वॉस्ट्रो में आपको यहाँ पर जो 14 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट फुल एचडी प्लस का अच्छा खासा रिजोल्यूशन है। यहाँ पर अगर हम चिपसेट की बात करते तो i3 10th जनरेशन का चिपसेट है, और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है, पहले 2 में भी और इसमें भी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये चिपसेट देखने को मिलता है, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ इसमें आप वो एडिटिंग, फोटोशॉप और वो सब चीज़ें डेफिनेटली कर सकते हो, बट एक हद तक, क्योंकि इतना भी ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिटेड प्रोसेसर होगा, यानी कि लिमिटेड पावर होगी इसमें आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़े लिमिटेशंस होंगे, बट डेफिनेटली आप यहाँ पर जो है इस प्रोसेसर को एंजॉय करने वाले हो डे टू डे यूसेज में। साथ ही में इसमें आपको 4 GB की रैम देखने को मिलती है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है, यहाँ पर आपको जो है वो 2 सेल की बैटरी देखने को मिलती है, पोर्ट्स में आपको सभी तरह के अच्छे खासे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको डेली यूज़ में जो है वो आने वाले हैं। यहाँ पर आपको विंडोज 10 का सपोर्ट है, एम एस ऑफिस का भी सपोर्ट है, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो, या तो अगर आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो डेफिनेटली ये जो लैपटॉप्स है जो भी तीनों मैंने अभी बताए वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है एम एस ऑफिस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क होता है, तो आपको यहाँ पर जो अच्छी खासी हेल्प देखने को मिलेगी इन तीनों ही लैपटॉप्स में। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अगर प्राइसिंग की बात करते तो वो 34,990 रुपीज़ यानी कि 35,000 रुपीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो खरीद भी लीजिएगा।
ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो है एसर का Aspire 3। एसर Aspire 3 में भी आपको काफ़ी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। 15.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले है, i3 10th जनरेशन का चिपसेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको 4 GB की रैम देखने को मिलती है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है और साथ ही में इसमें आपको विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आपको कोई भी MS Office का सपोर्ट नहीं है, तो वो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो अंडरलाइन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर इसमें प्राइसिंग की बात करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर आपको पोर्ट्स जो है वो सभी तरह के देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है और डिज़ाइन लाइनअप मुझे इसके सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो वो मैं कहूँगा आई कैचिंग इसकी जो है वो आपको डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 32,921 रुपीज़ की प्राइस टैग है, तो डेफिनेटली इस प्राइस टैग में इसको दो मैं वर्थ मानूंगा कि आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं अंडर द प्राइस टैग ऑफ 33,000 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लास्ट लैपटॉप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे पर्सनली इसके जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ पर मैं अगर इसके कॉन्फ़िगरेशंस की बात करता हूँ तो 15.6 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो Ryzen 3 3250U का चिपसेट है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है डे टू डे पर्पज़ के लिए। और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो बूस्टिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि राइजिंग जो प्रोसेसर्स होते हैं राइजन के, उसमें डेफिनेटली आपको ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो देखने को मिलता है बूस्टिंग का। साथ ही में इसमें आपको 8 GB की रैम देखने को मिलती है, 256 GB ऑफ SSD स्टोरेज है, तो आपको यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग में जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो बाकमाल रहने वाली है। आपको यहाँ पर कोई भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही में स्टोरेज में भी आपको अच्छी खासी रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है, विंडोज 10 का सपोर्ट है, MS Office का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पर आपको सभी तरह के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, 2 सेल की बैटरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफिशियंट है। तो और क्या चाहिए, इतने अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। अप्रॉक्स यहाँ पर आपको 34,000 में देखने को मिलेगा, यानी कि और भी आप जो है 1,000 रुपीज़ का यहाँ पर जो है ऑफ इन्जॉय कर सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये लैपटॉप और सभी लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अभी आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो वो कोई भी लैपटॉप चूज़ कर सकते हो आपको जो चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो तो यहाँ पर एंड होता है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगला जो वीडियो आने वाला है वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके जो आपको कमेंट करना होगा। और इसी के साथ मिलते हैं ऐसे मेरे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।